सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है सैडो स्पोर्ट्स की एक फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारे अपडेट्स लेके आया हूं, जिनमें कि एक अपडेट जो ऑलरेडी आपको मालूम चल चुका होगा कि जो हमारा ग्लोबल लॉन्च है सैडो वर्ल्ड अरेना का, वो हमें नवंबर 3 को देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर डेवलपर्स ने एक्चुअली यहाँ पर एक एग्जैक्ट डेट यहाँ पर रिवील कर दी है नवंबर 3 को कि हमें सर्टिफाइड अरेना रिलीज देखने को मिलने वाला है। और सच कहूँ तो यार, काफ़ी लेट है, क्योंकि 10 मंथ की बीटा टेस्टिंग के बाद अब जाकर हमें, यानी 10 मंथ की बीटा टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, 10 मंथ की बीटा टेस्टिंग के बाद फाइनली हमें चलो गेम देखने को तो मिला कि एग्जैक्टली कब रिलीज होने वाला है। बट यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स और भी हैं, जैसे कि डेवलपर्स ने कहा था कि हमें 13 कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर सर्टिफाइड अरेना के ग्लोबल रिलीज में। बट यहाँ पर होंगजू ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो अब हमें ग्लोबल लिस्ट में देखने को मिलने वाले हैं 14 कैरेक्टर इंक्लूडिंग होंगजू। तो होंगजू यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर ऐड हो चुका है। और यहाँ पर एक और अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि हमें सीजन सिस्टम देखने को मिलने वाला है, और काफ़ी सारे लीक्स भी देखने को मिलने वाली है हमें सर्टिफाइड अरेना में। अब सीजन सिस्टम से मेरा मतलब यह है कि बिल्कुल शैडो पास की तरह, बट उसमें कुछ अलग तरीके से होगा। जैसा कि पबजी में आपको रॉयल पास देखने को मिलता है और कॉल ऑफ ड्यूटी में बैटल पास, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर सीजन देखने को मिलने वाले हैं, अलग तरीके सीजन पास। और यहाँ पर हमें जो रैंकिंग है शायद वो भी इस सीजन में देखने को मिलेगी, तो काफ़ी मजा आएगा गाइस इसमें। और यहाँ पर थ्रोएबल आइकन्स पे एक अपडेट निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम जितने भी कोई भी कैरेक्टर अगर हम खेलें उनका जो थ्रोएबल आइकन है वो अभी तक सेम रहता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। बट यहाँ पर हमें हर एक कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक आइकन देखने को मिलने वाला है थ्रोएबल के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ग्लोबली में देखने को मिलने वाली है, जैसे कि कुछ और न्यूज़ हीरो हमको देखने को मिलने वाले हैं, यानी न्यू कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे सर्टिफाइड अरेना में, जैसे कि ईतू। इसमें ईतू बहुत ज़्यादा श्योर है कि हमें ग्लोबल लिस्ट के बाद देखने को मिलने वाला है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे सर्टिफाइड अरेना ग्लोबल लिस्ट में सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ मैं जिसके लिए, वो है फ्रेंडली फाइट। कि फ्रेंडली फाइट में हम अपने फ्रेंड को यानी चैलेंज कर सकते हैं फाइट के लिए, तो इसके बिना तो पीवीपी का कोई मजा भी नहीं है, तो फ्रेंडली फाइट हमें देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर एक और चीज़, कस्टमाइजेशन ऑफ हीरोज भी हमें देखने को मिलने वाला है, यानी हीरोज की स्किन हमें देखने को मिलेगी, सच एज कीबो की स्किन हमें देखने को मिलने वाली है। एंड हो सकता है कि हमें एक डाइस भी देखने को मिले, जस्ट लाइक शैडो फाइट 3 हम अपने कैरेक्टर्स के जो आउटफिट है उनका कलर चेंज कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें बताना है इस अपडेट में, वो ये है कि हमें स्टांस और टॉन्ट देखने को मिलने वाले हैं, स्टांस टॉन्ट विक्ट्री पोजेस एंड इमोट। तो गाइस, हमें विक्ट्री पोजेस भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है कि हमें जो रॉयल पास होने वाला है, जैसे कि इसमें बताया मैंने आपको सीजन आने वाला है, तो उसमें एज अ रिवॉर्ड हमें यहाँ पर विक्ट्री पोजेस देखने को मिले, टॉन्ट या इमोट उसमें हमको देखने को मिले। तो यार, इमोट्स में काफ़ी मजा आने वाला है, कुछ फनी डांसेस अगर ऐड करते हैं तो काफ़ी मजा आने वाला है इसमें। अब क्योंकि ग्लोबल लिस्ट काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बहुत सारे एरियाज़ में प्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं, बट इंडियन प्लेयर्स के लिए अभी भी ये अवेलेबल नहीं है प्री रजिस्ट्रेशन के लिए भी। तो लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, उल्टा जो इंडियन प्लेयर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, तो ये गुड न्यूज़ ये है कि हमें ग्लोबल लिस्ट से पहले एक बीटा टेस्ट वर्जन देखने को मिलने वाला है। जैसे मैं अभी रशिया का बीटा टेस्ट वर्जन खेल रहा हूँ, वैसे हमें एक इंडिया के लिए देखने को मिलने वाला है, उसमें भी आप रियल प्लेयर्स से फाइट कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, यानी प्री रजिस्ट्रेशन इस बीटा एक्सेस वर्जन के लिए, जब भी लिख लेंगे मैं आपको बता दूंगा। आप ग्लोबल लिस्ट से पहले कुछ टाइम के लिए, एक महीने के लिए ही सही, बट आप उस बीटा वर्जन में मजे ले पाएंगे। और क्योंकि ये वर्जन इंडिया के लिए है, तो हमें वीपीएन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और अगर हम वीपीएन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल चलेगा और हम रियल प्लेयर्स के अगेंस्ट फाइट कर पाएंगे। एंड यार, जो लोग यहाँ पर शैडो फाइट अरेना को बड़ी स्क्रीन में खेलना चाहते हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि हमें शैडो फाइट अरेना यहाँ पर कॉन्सोल्स एंड पीसी में भी रिलीज देखने को मिलने वाला है मोबाइल रिलीज के बाद। अब एक्जैक्टली किस कॉन्सोल में हमें देखने को मिलेगा ये एक्जैक्टली हमें नहीं पता, आई थिंक निंटेंडो स्विच या पीएस में हमको देखने को मिले, एक्सबॉक्स तो श्योर है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेट करती है शैडो फाइट 3 की स्टोरी को शैडो फाइट अरेना की स्टोरी से। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पर शैडो माइंड से कहता है कि तुम एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर तुम उनके कैरेक्टर्स को एक दूसरे साथ फाइट करवाओगे। तो यहाँ पर ऑल क्रेडिट गोज टू द स्ट्रेंजर, तो आप इस कमेंट को पढ़ सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जो शैडो फाइट अरेना है उसकी ओरिजिन स्टोरी आखिर है क्या। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस कमेंट, जो शैडो फाइट अरेना है वो एक अल्टरनेट चॉइस है शैडो माइंड की, जिसमें कि शैडो माइंड एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करके उसमें अवेलेबल जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फाइट करवा रहा है एक दूसरे के साथ, और इसमें डिसेंडेंट अवेलेबल नहीं है, तो शैडो फाइट अरेना हमें डिसेंडेंट जैसा कोई कैरेक्टर नहीं देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, आई थिंक ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ये तो थी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।